खाओ बेटा खाओ खाओ बेटा। हमसे क्या भूल हो गई है माता संतोषी? हमें क्षमा कर दो मैया, क्षमा कर दो। तुमने अवश्य कोई षड्यंत्र किया होगा भोला। षड्यंत्र नहीं केदार भैया, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है इस दुष्ट ने। यह तांत्रिक तंत्र मंत्र की शिक्षा लेने हवेली से बाहर गया था। सही कह रहे हो शंकर भैया, तंत्र मंत्र की शक्ति से ही इस कापालिक ने इतना धन इकट्ठा किया है, तभी तो इसने ये आलिशान हवेली बनवाई है। लेकिन अब मां संतोषी का कोप इसके पापों को क्षमा नहीं करेगा। ये सब इस कुलटा के पापों का दंड है। देखते क्या हो गांव वालों, इन दोनों पापियों को दंड दो, इन्हीं के कारण तुम्हारे बच्चों की जान पर संकट बनाया है। हाँ हाँ मारो इन्हें। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, कदापि नहीं छोड़ेंगे। मार से तो भूत भी भागता है, अब इनके तंत्र मंत्र सब मिट्टी में मिल जाएंगे। माँ तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो आज माँ बेटी की मर्यादा भी टूट जाएगी। हट जाओ माँ सामने से। तुम चुप रहो बुढ़िया, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम लोग भूल कर रहे हो। भूल का सुधार कर सकते हो तो ठीक कर दो इन सबको, हम भूल नहीं करेंगे। शंकर नाम मतलब अपनी गंदी जबान से मेरा। पंडित इस षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो। नहीं नहीं, ये षड्यंत्र नहीं है, ये माँ संतोषी का कोप है। इस भूल का दंड तुम सबको भुगतना होगा। हमसे पहले इस भूल का दंड तुम्हें भुगतना होगा पंडित। ठहरो, जैन पंडित जी का तुम सब अपने पिता समान आदर करते हो, उन पर हाथ उठाने से पहले तुम सबके हाथ कटकर गिर क्यों नहीं गए? आप बीच में मत पड़ो बड़े भैया। आप नहीं जानते इस तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके क्या दुर्दशा की है। ये देखिए बड़े भैया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बच्चों की क्या दुर्दशा की है, ये देखिए मेरे लाल की क्या दुर्दशा की है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या दुर्दशा की है। मेरी धर्म पत्नी उमा, बड़ी भाभी, ये देखिए छोटी बहू की क्या दुर्दशा की है, किस तरह तड़प रही है। इस तांत्रिक ने इनकी दुर्दशा इनके दुष्कर्मों की वजह से हुई है। बेटा, अब तो सत्य को पहचानो, वरना
वरना बहुत देर हो जाएगी बेटा। देर तो तब होगी बड़े भैया जब ये दोनों जीवित रहेंगे। इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इन्हें। मैंने पल भर के लिए भी तुम्हारी सच्ची भक्ति की है। केदार तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम मेरे निष्पाप होने का प्रमाण दो माँ। आओ माँ, प्रकट हो माँ। मारो, मारो, मारो। प्रकट हो भगवती, दया करो माता संतोषी, दया करो अपने भक्तों पर, दया करो माँ। बड़े भैया आप हट जाओ सामने से, हट जाओ। ठहरो, मेरे बच्चे को उस कलंक से मुक्त करो। जीवित रहेंगे। प्रकट हो माँ, प्रकट हो। मारो, 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 मारो। दया करो माता संतोषी, दया करो अपने भक्तों पर, दया करो माँ। कैसा चमत्कार है? क्या हो गया ये? पाप रमा उमा और विमला ने किया था। मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाने का अपराध तो मेरे भक्तों ने ही क्षमा कर दिया था, परंतु मेरे भोग में खट्टा मिलाकर ये तीनों मेरे दंड की पात्र हो गई हैं। अब इन्हें ऐसे ही कुरूपता और कोढ़ के साथ अपना शेष जीवन बिताना होगा। नहीं माँ, नहीं, तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी भाभियों को स्वस्थ करना होगा। नहीं, इन तीनों की दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। इन तीनों ने अपने मिथ्याभिमान में पाप द्वारा प्रेरित होकर मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाने का दुष्कर्म किया है। इस पापिन विमला ने असत्य बोल के, उमा ने अत्याचार करके और रमा ने चोरी करके घोर पाप किया है। ये आप क्या कह रही हो माता? मेरी बात पर संदेह ना करो केदारनाथ। पाप के इस व्यापार में तुम और उमा का भाई त्रिलोकी भी सम्मिलित है। लगान का धन रमा ने चोरी किया। चोरी पकड़े जाने पर चोरी का धन त्रिलोकी को सौंप दिया और चोरी का आरोप सुनीति पर लगा दिया। इनके पाप को क्षमा करना असंभव है। माँ, तुम तो माँ हो और माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अरे कुपुत्र तो हम बच्चे होते हैं। हे मैया, माँ तो केवल क्षमा करना जानती है, आशीष देना जानती है। माँ, अपने इन कुपुत्रों को भी क्षमा करके अपना माँ नाम सार्थक करो, मैया सार्थक करो। दया करो माता, अपनी दया से इन तीनों को स्वस्थ कर दो माता। मैं अपनी समस्त भक्ति के मूल्य पर इन तीनों के लिए दया की भीख मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ। भक्त की वाणी में भगवान का वास होता है। भक्तों की पुकार को भगवान भी अनसुनी नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके इन तीनों को स्वस्थ करती हूँ।
माँ संतोषी की जय। माँ संतोषी की जय। संतोषी की जय। माँ संतोषी की जय। माँ संतोषी की जय। माँ संतोषी की जय। इस समय केवल तुम और सुनीति ही मुझे देख सकते हो। हमारी बातें तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने धैर्य, धीरज और संतोष से कठिन परीक्षा सफल की है, इसलिए तुम दोनों हमारी परम कृपा के अधिकारी बन गए हो। परंतु मैं ये निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति को क्या देकर पुरस्कृत करूं। भक्तराज भोला, भक्तिमती सुनीति, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो। नहीं माँ, आपके पावन दर्शन के अतिरिक्त हमारी अब और कोई इच्छा नहीं है। आपने अपने दर्शन देकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। जय संतोषी माँ। हमें आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए माता। अवसर होने पर भी तुम दोनों ने अपना लोभ प्रकट ना करके हमारी भक्ति की ही प्रार्थना की, इसलिए हम और अधिक प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी इच्छानुसार एक अमूल्य वरदान देते हैं। भक्ति के समान संसार के रहने तक तुम दोनों का नाम भी अमर रहेगा। समय आने पर मैं स्वयं सुनीति के गर्भ से पुत्री बनकर आंशिक अवतार धारण करूंगी। मेरा ये अवतार कलयुग के अत्याचारों से हर प्राणी को मुक्ति प्रदान करेगा। माँ, मेरे आंशिक अवतार के माता पिता होने के कारण आप मेरे आदर और प्रणाम के अधिकारी बन गए हैं। अरे सुनीति बेटी, धीरज रख, संतोषी माँ सब ठीक करेगी। माँ का नाम ले बेटी, माँ का नाम ले, ठीक हो जाएगा। माँ, अरे रामकली, जल्दी गर्म पानी लेकर आ। बेटा भोलानाथ, इस कलयुग में माँ संतोषी का नाम ही पर्याप्त है। जानते हो बेटा, सभी देवताओं ने श्री गणेश की पुत्री माँ संतोषी को कलयुग की अधिष्ठात्री बनाया है। बेटे, केवल एक बार सच्चे मन से उनका नाम पुकारने मात्र से प्राणी भयानक से भयानक कष्ट से मुक्ति पा जाता है। जय संतोषी माँ। जय जय माँ संतोषी। भैया शुभ लाभ, देव देवेश्वरी भगवती माता संतोषी के आंशिक अवतार की आप दोनों को शत शत बधाई हो। देव ऋषि, हमारा मन तो अपनी बहन संतोषी के आंशिक अवतार को देखने के लिए उतावला हो रहा है। देव ऋषि, क्या इस समय हमारा वहां चलना उचित नहीं होगा? नारायण नारायण। नहीं भैया लाभ, दिव्य दृष्टि से ही माता के आंशिक अवतार को देखकर हमें अपने मन को संतुष्ट करना होगा। क्यों देवऋषि? क्योंकि माता ने आंशिक अवतार की बात केवल भोलानाथ और सुनीति के सामने ही प्रकट की है। उनकी इच्छा होने तक हमें इस बात को रहस्य ही रखना होगा। परंतु देवऋषि। भैया लाभ, हमारे जाने से इस बात का रहस्य खुल जाएगा। जय जय माँ संतोषी।